नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस खास बुलेटिन में। आपको बता दें कि देश में जारी कोरोना के महासंकट ने त्राहिमाम मचा दिया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि राज्य की व्यवस्था सुविधाओं की पोल खुल चुकी है। दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र हो या फिर मध्य प्रदेश, हर जगहों पर एक जैसी ही तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन वो तस्वीर कैसी है, अब आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स, आंकड़े आएंगे और उनको समझिए कि किस तरीके से हर राज्य की स्थिति कैसी है। ये 10 राज्य सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर जिनके हालात सबसे ज्यादा खराब है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली। सबसे ज्यादा खराब महाराष्ट्र, दिल्ली और फिर उत्तर प्रदेश की स्थिति, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये 3 राज्य और है जिनकी स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक है। साथ में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल, ये और राज्य, यानी कि टोटल मिला के ये 10 राज्य जिनके हालात सबसे ज्यादा खराब है। और पूरे देश की हम बात करें, देश में 184,372 नए संक्रमित मामले सामने, और इसके साथ ही बीते 24 घंटे में 1,027 नए संक्रमितों की मौत हो चुकी है, यानी कि 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक 172,085 संक्रमितों की मौत कोरोना ले चुका है। अब तक 11,79,578 लोगों को कोरोना वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। दिल्ली में 13,468 नए संक्रमित मामले, दिल्ली में लगातार कोरोना का नया एपिसेंटर बन रही है। अस्पतालों में बेड की कमी बताई जा रही है, लगातार इसको लेकर मांग बढ़ रही है। नाइट कर्फ्यू के बावजूद भी हालात बेकाबू हैं, और इसी के साथ में आपको लगातार अपडेट भी कर रहे हैं कि किस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं। 60,000 के करीब नए कोरोना के संक्रमित महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। ये महाराष्ट्र की हालत है, मुंबई में 8,000 के करीब नए संक्रमित मिले हैं। ये सिर्फ मुंबई की तस्वीर, जहां पर 8,000 के करीब नए संक्रमित, यहां पर भी अस्पतालों में बेड की खासा कमी देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कई जगहों पर नो वैक्सीनेशन के जो सिंबल लगे हैं, बोर्ड लगे हैं, मिनी लॉकडाउन के बावजूद लगातार स्थिति बिगड़ रही है। लेकिन इसके साथ ही जो पलायन है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 18,000 से ज्यादा नए संक्रमित सामने आए। लखनऊ में 5,300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से राहुल गांधी ने वहां पर चुनावी सभा की है और उसको चुनावी सभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर मोदी और ममता सरकार पर जमकर प्रहार किए हैं। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, पश्चिम बंगाल से कांग्रेस की बीजेपी से विचारधारा की लड़ाई है, ये कहना है कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का। ममता बनर्जी ने बंगाल के लिए कुछ नहीं किया, राहुल गांधी का ये सवाल, और ये साथ में उन्होंने अपनी बात कही। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि लगातार चुनावी सभाएं जारी हैं और ऐसे में राहुल गांधी अब वहां पर मोर्चा संभालने के लिए पहुंचे हैं, और इसी के साथ में आज उन्होंने अपनी चुनावी सभा में कई जोरदार हमला किया है, बीजेपी पर हमला किए हैं, और साथ में आपको ये भी बताते चले कि ममता सरकार पर भी हमला किए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला किया, टीएमसी पर हमला किए गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। साथ में उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ विचारधारा की लड़ाई उनकी है, और साथ में उन्होंने तमाम लोगों से अपील की है कि कांग्रेस को वोट दें और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में मदद करें, विकास को लेकर उन्होंने वोट मांगा। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर कांग्रेस की बीजेपी से विचारधारा की लड़ाई है, ये कहना है राहुल गांधी का। आपको बता दें कि लगातार पश्चिम बंगाल में चुनावी सभाएं जारी है और ऐसे में तमाम दिग्गज अपनी अपनी पार्टियों के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश में जुटे हैं। और फिर से कोरोना का रुख करते हैं, आपको बता दें कि लगातार जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक ओर अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी कतारें हैं जो इलाज करवाना चाहते हैं, दूसरी ओर शमशान घाटों के बाहर भी शवों की कतारें देखने को मिल रही है जो मुक्ति पाना चाहते हैं। लेकिन दोनों ही जगह पर कोई व्यवस्था नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के कारण हाल बेहाल है। बीते दिन दिल्ली में 13,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जो किसी भी बड़े शहर में एक दिन में आने वाले सबसे ज्यादा केस हैं। झारखंड में कोरोना के कारण हालत बद से बदतर हो चुके हैं, नए मरीजों की संख्या 2800 के पार जा चुकी है। लेकिन रांची के एक अस्पताल से आई तस्वीर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। एक बेटी की चीख पुकार सुनकर सरकार के कानों तक नहीं पहुंच सकी। सदर अस्पताल में तड़पते पिता को बचाने के लिए बेटी की तड़प पत्थर दिल को रुला दे, लेकिन सिस्टम नहीं पिघल सका। यहां ना डॉक्टर मिले और ना इलाज। इसके बाद लड़की के पिता ने दम तोड़ दिया। ये सब तब हुआ जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री उसी अस्पताल में थे। महाराष्ट्र में कड़े कदम उठाने के बाद भी सबसे ज्यादा संक्रमित सामने आ रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी पूर्व सीएम सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संक्रमित पाए गए हैं। आलम यह है कि लखनऊ में दहशत का माहौल है, हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि कब्रिस्तानों, शमशान घाटों में लंबी कतारें हैं और यहां पर रेट भी बढ़ा दिए गए हैं।
और इस बीच उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनते हैं। जांच किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,62,12,814 है। टीकाकरण का कार्य निरंतर चल रहा है और जो लोग भी 45 साल से ऊपर की आयु के हैं वे सभी टीकाकरण के पात्र हैं, टीकाकरण करवा सकते हैं और करवाना चाहिए, इससे आपको सुरक्षा मिलती है। और जो लोग एक डोज लगवा चुके हैं उन्हें दूसरी डोज भी जरूर लगवानी चाहिए, वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद ही वो आपके लिए वास्तव में प्रभावशाली असरकारी होती है। अब तक 83,49,009 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है और इनमें से 13,93,075 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। तो देश के कई राज्यों में जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और ऐसे में लगातार सख्ती भी बढ़ती जा रही है। अमित मोहन को आपने सुना जो कि स्वास्थ्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी इसको लेकर जानकारी दी कि किस तरीके से टीकाकरण को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, साथ में और भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दोनों टीके लगवाने के बाद इस लड़ाई में वो ज्यादा प्रभावी ये वैक्सीन काम करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह कि अब तक पूरे देश की अगर हम बात करें 11 करोड़ के करीब ही सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोग पहुंचे हैं, सिर्फ 11 करोड़ के आसपास ही लोगों को वैक्सीन लगी है। तो ऐसे में अगर रफ्तार यही रही तो आखिरकार कब तक वैक्सीन लोगों तक पहुंचेगी, कब तक सभी जो लोग हैं वो वैक्सीनेट हो पाएंगे? तो आपको बता दें कि देश के कई अस्पतालों के बाहर लगातार लंबी कतारें हैं। पटना की जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के वहां पर हालात हैं, किस तरीके से लोग वहां पर इलाज के लिए तरसते नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ में लखनऊ में भी हालात लगभग ऐसे ही, दिल्ली में कई जगहों पर अस्पतालों में बेड की कमी बताई जा रही है। तो सेहत में महाराष्ट्र में भी जो हालात हैं वो पूरे देश में सबसे ज्यादा खतरनाक हालात महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। आलम यह है कि मिनी लॉकडाउन के अलार्म के साथ ही भारी संख्या में जो मजदूर हैं वो पलायन को मजबूर हैं, अपने अपने प्रदेशों की ओर कूच करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन साथ में बिगड़ते हालात को देखते हुए अब सरकार और भी सख्ती बढ़ा रही है, बावजूद इसके जो आंकड़े हैं वो थमते नजर नहीं आ रहे हैं। और इन तमाम चीजों को लेकर ही हम चर्चा करेंगे। अरविंद चौधरी हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। चौधरी साहब, सबसे पहला कमेंट इस बात को लेकर लेना चाहेंगे, वो बेटी की पुकार आपने सुनी जो पत्थर को भी पिघला दे लेकिन ये सिस्टम नहीं पिघल सका, क्या कहेंगे सर? व्यवस्था में जो है वो संजीदगी नहीं है, जो लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं जी वो वास्तव में संजीदा नहीं है जी। जब से ये कोरोना आया है तब से आप देखिएगा कि सरकार की तरफ से जो कार्य हो रहा है वह एक कभी इसको धार्मिक मुद्दा बना दिया जाता है, कभी थाली पिटवा दिया जाता है, कभी बत्ती जलवा दिया जाता है, कुछ जब नहीं होता है। और आप बीच में देखें कि लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद जो सेंटर बना वो सेंटर सब उठा लिया गया जैसे कि कोरोना खत्म हो गया। तो जब सरकार व्यवस्थित ढंग से किसी काम को करने की स्थिति में नहीं है तो निश्चित रूप से हर तरह की समस्या उत्पन्न होगी। लेकिन सर एक बात मैं समझने की कोशिश करूं, क्या ये देश का दुर्भाग्य है? ये देश का दुर्भाग्य इसलिए है कि लगातार जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरह की मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं और इस तरह की स्थिति रही, हालात रहे पहले भी, हम उस वक्त हमारे पास वो संसाधन नहीं थे, लड़ाई लड़ने का जो अनुभव नहीं था, अब अनुभव के बावजूद इस तरह की स्थिति है और नहीं तो हमारे रैलियों में व्यस्त है। देखिए जब चुनाव आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया, अभी तक कोरोना के बाद जितने भी चुनाव हुए उस दिशा निर्देश का कहीं पर किसी भी दल के द्वारा फॉलो नहीं किया गया। अब बिल्कुल अरविंद जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम इस वक्त कुछ कहते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं ये सीधा रुख करते हैं। है वो अच्छा हो और उनकी चिंता की जाए, इसके लिए अभी हम लोग बैठेंगे। उत्तर प्रदेश में 8 मई से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, पहले 24 अप्रैल से थी, उनको बढ़ा के हम लोगों ने 24 अप्रैल की जगह 8 मई निर्धारित किया है। अभी समय है हमारे पास में, मुख्यमंत्री जी के स्वस्थ होते ही हम इस बारे में विचार विमर्श करेंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या है। प्रतिदिन हम लोग जो कोरोना की स्थिति है उसका समय परीक्षण कर रहे हैं
और परीक्षण के उपरांत जो स्थिति होगी उसके अनुसार जो भी छात्र और शिक्षकों के हित में निर्णय होगा वो उत्तर प्रदेश में हम लोग लेंगे। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग ज़िले हैं उनमें हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं उनको हर ज़िले की स्थिति का आकलन करने का, वहाँ के जिला प्रशासन से और अन्य लोगों से, जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करने के लिए कहा गया है। जनता से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि अपनी जो सुरक्षा है उसके प्रति चिंतित होना उनके स्वयं का कार्य है कि हम कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करें, ये व्यक्ति का पहला कर्तव्य है। शासन और प्रशासन एक सहायक के रूप में काम कर रहा है और जितनी भी सुख सुविधाएँ, जितनी भी चिकित्सीय सुविधाएँ हो सकती है वो जनता को समर्पित करने के लिए हमारा प्रशासन तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल संवाद सबसे जारी रखा। तो सारी जिम्मेदारियां सरकार के साथ साथ लोगों की भी हैं, ये कहने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन जनता को लेकर हमेशा ठीक रिपोर्टिंग की कोशिश की जाती है। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जुड़ चुके हैं बीजेपी से फोन लाइन पर। प्रेम रंजन पटेल जी, उत्तर प्रदेश में हालात बेकाबू हैं, लखनऊ की स्थिति पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से शमशान घाटों के बाहर कतारें लगी हैं, यही किया एक साल में? नहीं, आपने ठीक कहा कि थोड़ा सा जो ऐसे संक्रमण का स्थिति बिगड़ा है जी, ज्यादा बढ़ा है और ये चिंताजनक विषय है, लेकिन उसके बावजूद सरकार खुद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संक्रमित हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरा सरकार और प्रशासन लगा है कि उत्तर प्रदेश में हालात बिगड़े ना, लोगों को कैसे हम अधिक से अधिक राहत पहुंचा सके, लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा सके, इस दिशा में पूरी तरह से काम की जा रही है, लोगों को हिदायत दी जा रही है कि आप जो है बचाव का तरीका बचाव करें और इससे निपटने के लिए सभी। बिल्कुल पटेल साहब, बिल्कुल इसी पर मैं और भी चर्चा करूंगा, साथ में सवाल ये होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ अभी भी पश्चिम बंगाल में जाकर रैलियां करेंगे? जो संक्रमितों के संपर्क में आए थे, जब सवाल उठाए गए थे, बड़ी नाराजगी देखने को मिली थी, लेकिन इस बीच हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के उस पार लगातार चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। पटेल साहब, कमेंट ये कि संक्रमित हैं योगी आदित्यनाथ, और सिर्फ वही नहीं, कई मंत्री भी संक्रमित हैं, ये बातें सामने आ रही है, कई अधिकारी संक्रमित हैं, ये खबरें भी सामने आ रही है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठीक होने के बाद फिर से पश्चिम बंगाल में रैलियां करेंगे? पटेल साहब जी, जब उस दौर से जो है बाहर आएंगे और निगेटिव जब उनकी स्थिति होगी तो उसके बाद वो तय करेंगे करना नहीं करना है, लेकिन मुझे लगता है कि आदित्यनाथ जी का संक्रमित होना ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी जनता के बीच में लगे रहते हैं और जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, लोगों से सार्वजनिक जीवन में लोगों से मिलना जुलना लगातार रहे, योगी आदित्यनाथ जी कभी घर बैठे बहुत लगे सर, आम लोगों से लगातार जो है बिल्कुल बहुत संपर्क में रहे, तस्वीरें देखी है देश ने कि किस तरीके से जो संक्रमितों के संपर्क में आए थे और सवाल उठाए गए, उस दौरान काफी नाराजगी देखने को मिली थी, फिर भी रैलियां चल रही थी, प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया था जी। अरविंद चौधरी जी, कमेंट। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री संक्रमित है, ये कोरोना ऐसा भाई ऐसा लोग संक्रमित होंगे, लेकिन इसमें दो चीज के लिए जो सबसे बड़ी निराशा है, वो सबसे बड़ी पहली निराशा ये है कि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जी, वो अपने दायित्व जिसका प्रचार किया जा रहा है, हर एक भर दिन में आप 5 बार मोबाइल पर या 50 बार फोन आता तो 50 बार मोबाइल पर सुनते हैं 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, लेकिन जो इसके रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है वो प्रत्यक्ष रूप से सामने उनका कोई आइडियल प्रस्तुत नहीं होता, पहला चीज। और दूसरा चीज जो निराशाजनक है, अब 1.5 साल लगभग कोरोना का होने जा रहा है और इस बीच में जो देश ने संविधान का सबसे प्रमुख चीज लोक कल्याणकारी राज्य का परिकल्पना ही छोड़ दिया, क्योंकि हम गरीब आदमी जो मजदूर, जो आप लोग जानते होंगे, जो जिला स्तर पर मजदूर बगल से आते थे उनका ट्रेवलिंग का कोई व्यवस्था नहीं है,
जो बाहर काम कर रहे हैं उनको कैसे स्टे किया जाए, उनका रोजगार कैसे रोका जाए, ये सब कंपनी पर छोड़ दिए हैं। गंभीर बात की है, गंभीर बात आपने की है, लेकिन साथ में बात राहुल गांधी की भी कीजिए सर। रैलियां वो भी कर रहे हैं, कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि सरकार के साथ साथ विपक्ष को भी गंभीर होना होगा, एक उदाहरण पेश करना होगा जनता के लिए? नहीं, निश्चित रूप से सरकार हो या देखिए, कोरोना महामारी है और यह विश्वव्यापी महामारी, हम इस महामारी से लड़ने के लिए तमाम लोगों को संयुक्त रूप से पक्ष विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रशासनिक अधिकारी पहले इन लोगों को एक मंच पर एक माइंडसेट से समाज के लिए निर्णय लेना होगा, तभी इस महामारी स्वतंत्रता के बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जी। देश में कोई महामारी आई हो, देश में कोई विपत्ति आई हो, उसमें पक्ष विपक्ष और दलीय आधार पर सोचते हो या जातीय आधार पर सोचते हो या धार्मिक आधार पर सोचते हो, यह पहली बार है कि एक महामारी के में चाहे जो भी लोग कभी धर्म के आधार पर सोचते हैं, कभी जात के आधार पर सोचते हैं, कभी पार्टी के आधार पर। कुंभ पर इशारा है सर आपका, कुंभ मेले पर इशारा है आपका? कुंभ मेले पर भी इशारा है, और शुरू में जब कोरोना हुआ था और जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि जब पार्लियामेंट चल रहा था तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि अभी बजट सच चल रहा है और राहुल जी को कोरोना दिख रहा है जी। वहां पर तबलीगी जमात का आधार पर इसको मुस्लिम के आधार पर कि मुस्लिमों ने इसको फैला दिया और नमस्ते ट्रंप और हर एक सेक्टर पर, किसी भी सेक्टर पर लोगों को जागरूक करने का मतलब उस पर डंडा चलाना नहीं होता है जी। हर एक आदमी को अपना जान प्यारा है, लेकिन उसके लिए आपको भी उच्च मापदंड दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, यदि प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक दल के नेता उच्च मापदंड नहीं दिखलाएंगे तो आप जनता पर दोषारोपण करके, जनता के धार्मिक भावनाओं पर ठेस लगा के रोक करके आप ऐसा नहीं कर सकते, बच भी नहीं सकते। पटेल साहब, सवाल मेरा ये होगा कि जिस तरह के आंकड़े अब आ रहे हैं, खासतौर की लखनऊ की हम बात करें, आपने हाईकोर्ट का वो टिप्पणी भी सुनी होगी और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि शमशान घाट से लेकर अस्पतालों के हालात कैसे हो चुके हैं। क्या विचार कर रही है सरकार लॉकडाउन का, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं तो कम से कम लॉकडाउन लखनऊ में, ताकि स्थिति को संभाला जा सके? अभी स्थिति उस तरह का नहीं हुआ है कि लॉकडाउन पूरी तरह से किया जाए। सरकार पूरी नजर रखे हुए है और सरकार लगातार जो है उस दिशा में प्रयास कर रही है कि कैसे हम वैक्सीन का, देखिए, टीकाकरण का अभियान चलाए। अब 16 तारीख से लेकर करके 14 तारीख तक पूरे जो है अभियान को जो है सफल बनाने के लिए हमारे पार्टी के भी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जो 45 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं वो सब लोग वैक्सीन लगाएं, और वैक्सीन की पूरी व्यवस्था की गई है, पूरे सेंटर उसके लिए बनाए गए हैं कि किसी प्रकार का कोई जो है लोगों को परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखा गया है। उसी तरह से बचाव के तरीके लगातार जो है से कहा जा रहा है, लेकिन मास्क भी है जरूरी, जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रहा है, जिस हिसाब से टीकाकरण चल रहा है, उसकी रफ्तार देखिए सर आप, और कोरोना की रफ्तार देखिए सर, कई सालों में जाकर खत्म होगी। सिर्फ उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात करें, जिस रफ्तार से अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, आज सरकार पूरी तरह से नजर रखे हुए है जी। हालात अगर कुछ ज्यादा खराब होंगे तो लॉकडाउन की स्थिति बनेगी तो लॉकडाउन भी किया जाएगा, लेकिन अभी उस पर नहीं बना है। अभी सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है, एहतियात के तौर पर जो ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि आप इस प्रकार का, हाँ मैं मानता हूँ कि संक्रमण बढ़ा है, जिस प्रकार से लोग फ्री थे अब उसके बाद संक्रमण बढ़ा है तो परेशानी का सबब है, लेकिन सरकार पूरी तरह तत्परता से काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि पहले भी जब कोरोना का संक्रमण जब पिछले वर्ष आया था तो कई सारे विकसित देश थे जहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, आबादी कम था, उसके यहाँ जो ऐसे अस्पतालों की संख्या, डॉक्टरों की संख्या ज्यादा थी, उसके यहाँ संक्रमण जितना तेजी से हुआ और जिस प्रकार से लोग ग्रसित हुए, जितनी मौतें हुए उसके बाद जी बिल्कुल ठीक है सर। हम जितना सर, यही तो रोना है, यही तो रोना है कि इस तरह की तस्वीर होने के बावजूद इस तरह के हालात बन गए। पूरी तत्परता से उस दिशा में काम किया, उसका नतीजा है कि आज जो है देश हमारा संक्रमण में बहुत कम जो है रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा है कि हम जिस प्रकार की दवाइयां हमने अपने यहाँ से शुरुआत किया, कई देश लिए, आज जो ऐसे जो वैक्सीन हमारा है वो कई देश हमसे मांग रहे हैं, देश जो ऐसे सर यही तो तभी तो हालात ऐसे बन गए कि अपने देश के राज्य ये कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है,
महाराष्ट्र ने क्या कहा, पंजाब ने क्या कहा, छत्तीसगढ़ ने क्या कहा, दिल्ली ने क्या कहा, सर उत्तर प्रदेश हरियाणा में पत्र लिखा है। ये अफवाह न उड़ाए, वैक्सीन पूरी तरह से पूरी संख्या में है, कहीं कोई परेशानी नहीं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्र नहीं लिखा सर? देख रहे हैं कि हम लोग लगातार जो ऐसे करें अभियान चला। नहीं पटेल साहब, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्र नहीं लिखा कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन भेजी जाए? नहीं वैक्सीन की कहीं कोई कमी नहीं है, आने उनके पास पहुंचने में हो सकता है कि वो समय पर अगर सूचना नहीं दिए होंगे तो उनके पास जगह पर नहीं पहुंच सका होगा। ठीक है, अरविंद जी का कमेंट अरविंद जी का कमेंट लेना चाहूंगा। अरविंद जी, हमने देखा कि किस तरह की स्थिति थी, फाइनल कमेंट के रूप में आप क्या कहेंगे सर वैक्सीन को लेकर? वैक्सीन सबसे वैक्सीन को लेकर फाइनल कमेंट यही कि सच को स्वीकार नहीं करने से समस्या समाधान नहीं हो पाता। जी जो सच है उसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक, नंबर वैक्सीन से कोरोना का पूर्ण समाप्त नहीं हो सकता है, जिनको वैक्सीनेशन हुआ उनको भी कोरोना हो रहा है, तो इसलिए इसके लिए निश्चित रूप से समग्र रूप से बैठ के इसके समस्या के समाधान पर चर्चा हो और तमाम लोग बैठ के इसका सामूहिक रूप से समाधान। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। हमारी कोशिश थी कि किस तरह के हालात है इसको लेकर समझने की कोशिश करें, लेकिन क्या सरकारें गंभीर होंगी, क्या विपक्ष गंभीर होगा, क्या रैलियों को बंद किया जाए, यह देखना दिलचस्प होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एनपी न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।